हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शूट चार्मिन किचन में एक बार फिर से। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत सी अमेजिंग सी डू इट योर सेल्फ रेमेडीज़, या फिर कह लीजिए कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं ऐसी ही अमेजिंग सी रेमेडी आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें करना क्या है। आज की जो रेमेडी मैं आपके लाई हूँ वो है अमेजिंग सा फेशियल। घबराइए नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है आपकी किचन में से ही लेना है। तो आज हम करेंगे कर्ड से फेशियल। जी हाँ, सही सुना आपने, कर्ड से फेशियल करेंगे, जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा। अगर आपकी स्किन इन विंटर्स में ड्राई हो गई है तो आज हम दही से फेशियल करेंगे। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ। ये फेशियल 3 स्टेप्स में होने वाला है। पहले हम करेंगे फेस की क्लिंजिंग, और नेक्स्ट हम करेंगे उसमें स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन, और लास्टली हम करेंगे इसमें फेस पैक, बहुत अमेजिंग सा, जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन में अमेजिंग सा ग्लो देगा। आज का जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा क्लिंजिंग का। क्लिंजिंग के लिए आप क्या करेंगे, एक बाउल में 1 से 1.5 चम्मच आप दही का ले लेंगे, और उसमें ऐड करेंगे आप कोकोनट ऑयल 1 चम्मच। कोकोनट ऑयल में भी होते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के गुण, विटामिन ई इसमें रिच होता है, ये हमारे एजिंग को स्लो डाउन करता है और आपकी स्किन में अमेजिंग सा ग्लो देता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और मसाज करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे आपकी फेस की जो पूरी डर्ट है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। आपको ऐसे भी कोकोनट ऑयल से अपने फेस पे मसाज करनी चाहिए, ये भी आपके फेस पे जो फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करता है। तो इसको आपने एक ब्यूटी रेजिम में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अच्छे से अपने फेस को क्लींस कीजिए। तो ये रहेगा हमारा आज का पहला स्टेप। आज का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा स्क्रबिंग का, यानी कि एक्सफोलिएट करेंगे हम अपनी स्किन को। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बाउल में राइस फ्लोर ले लेंगे। राइस फ्लोर में भी बहुत ही अमेजिंग के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट तो करता ही है, साथ में आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, आपकी स्किन में एक टाइटन इफेक्ट देता है और आपके रिंकल्स और फाइन लाइन को ट्रीट करता है। उसमें आप ऐड करेंगे अपना हीरो इंग्रेडिएंट कर्ड, और साथ में ही ऐड करेंगे एक चुटकी हल्दी, जो आपके एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करेगी। अच्छे से मिक्स करके तीनों से चीज़ों को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिए और फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए। फेस के हर एक कोने को कवर कीजिए। ये क्या करेगा, आपकी स्किन के डेड स्किन को रिमूव करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अच्छे से आप मसाज कीजिए और फिर क्या करेंगे, आप गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी आपके फेस पे ना रहे। आज का जो फाइनल स्टेप रहेगा वो रहेगा अमेजिंग से फेस मास्क का, वो भी हमारे हीरो इंग्रेडिएंट कर्ड से ही बनेगा। आप क्या करेंगे, एक बाउल में 1 से 1.5 चम्मच कर्ड ले लीजिए, और उसमें आप ऐड कीजिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इसमें भी होते हैं बहुत से अमेजिंग से आपके स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने के गुण, और साथ में ही आप ऐड करेंगे 1 चम्मच बादाम का तेल। तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। 15 से 20 मिनट इसको रखिएगा, और उसके बाद एक बार फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करके इसको गुनगुने पानी से धो लीजिएगा। आप देखेंगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इस फेशियल से। आप कहेंगे हमें महंगे महंगे फेशियल्स करवाने की ज़रूरत क्या है, ये तो घर पर ही इतना अमेजिंग सा फेशियल हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।